हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, फॉर्मर क्रिकेटर और बीजेपी एमएलए गौतम गंभीर अब गंभीर तरीके से फंस चुके हैं। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने फैबीफ्लू ड्रग को अनऑथराइज तरीके से खरीदना, रखना और कोविड पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का आरोप सिद्ध हुआ है। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि कोविड में सब लोगों की हालत ख़राब थी, तो ड्रग कंट्रोलर ने बताया है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने इसमें अनऑथराइज तरीके से फैबीफ्लू ड्रग को खरीदा, रखा और डिस्ट्रीब्यूट भी कोविड पेशेंट्स में किया है। बहुत बड़ा आरोप गौतम गंभीर फाउंडेशन पे लगा है। इसमें गौतम गंभीर ने तुरंत फिर ट्वीट किया है कि आई एम अ मैन एंड वॉट एवर अफेक्ट्स मैनकाइंड कंसर्न्स मी, सरदार भगत सिंह। अभी कुछ दिनों पहले ही दोस्तों हमने देखा था कि खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को इलीगल तरीके से रखने पे भी एक्शन लिया है। और यहाँ तो दिल्ली कंट्रोलर ने, ड्रग कंट्रोलर ने बताया है कि ये तो आरोप सिद्ध हो चुका है। तो अब एक्शन आगे क्या लेगी ड्रग कंट्रोलर, हमें इंतजार रहेगा। और दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट करिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए।